हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ममता की लाइफ में स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये वाला पैटर्न जो मैंने आपको बताया था, इसको आप जैसे भी यूज करना चाहें इसको कर सकते हैं, छोटा बड़ा करके। और ये सिंगल कलर का है। और इसमें जो मैंने ये देखिए, ये जो मेरा ये पंखुड़ी जैसा बना है, ये नेट से मैंने बनाया था। इसी टाइप का एक मैं आज आपको फिर से बताने वाली हूँ। आप इसको भी डोरमेट की तरह या फिर प्लेट कवर या सेंटर टेबल, जहां आप यूज करना चाहें कर सकती हैं। ये देखिए, मैंने इसमें ये टोटल 28 फंदे डाले हैं। 28 फंदे डाल के इसमें सबसे पहले फर्स्ट रो से ही हम देखिए यहां से उल्टा उल्टा बीनेंगे। तो पहली सलाई हम पहला फंदा उतार के ये देखिए, एक दो तीन चार पांच छः और ये सात फंदे मैंने बिन लिए हैं। अब मैं इसको पलट लूंगी और फिर से यही सात फंदे मैं बिन लूंगी। तो पहला फंदा उतार के देखिए, दो तीन चार पांच छः और ये सात। अब देखिए, यहां से सबसे पहले अब ये चीज बनाने के लिए हम यहाँ पे ऊन आगे करेंगे और दो फंदे एक साथ बिन देंगे, उतार देंगे। मतलब इन दो फंदों को हम एक साथ बिन के उतार देंगे। और अब इसको काउंट करते हुए देखिए, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, यानी दो फंदा और हमने ले लिया। लेकिन यहां हमने जो घटाया है उसको लेते हुए, घटाने के बाद एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, नौ फंदे हमने बिन लिए। फिर सिलाई पलट लेंगे और इन नौ फंदों को भी हम इस तरफ से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए, आप चाहें इसको पलटिए, चाहें तो ना भी पलटिए, लेकिन यहाँ पे इसको देखिए। फिर हम, और अगर यहाँ पे किनारा स्मूथ रखना है तो हम यहाँ पे दो फंदे घटाएंगे ताकि हमारा किनारा जो है पैटर्न अच्छे से आए। तो अब देखिए, इसको काउंट करते हुए अब हम 11 फंदे बिनेंगे। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ये 11। सात फंदे से हमने शुरू किया है, दो दो फंदे हम स्टार्टिंग से प्लस कर रहे हैं। अब इधर से पूरा हम फंदा उल्टा उल्टा बेल ले जाएंगे। उल्टे तरफ से हमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे फंदा उतार के सेकेंड फंदे में घटाया, तो देखिए यहाँ पे ये किनारा अच्छे से आ रहा है। अब देखिए, फिर पहला फंदा हमने उतार लिया, फिर हम दो का एक करेंगे। ये हमको हर सीधी सिलाई में करना है। अब देखिए, दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। देखिए, पहली बार सात बीन के हमने पलट लिया, फिर नौ बीना, फिर ग्यारह बीना, अब हमारे 13 फंदे हो जाएंगे। तो अब हम इसको फिर पलट लेते हैं। ये देखिए, उल्टे तरफ से उसी फंदे को फिर से बिन देना है। अब देखिए, फिर एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह।
अब इसको हम पलट लेंगे। आपको और बड़ा बनाना होगा तो आप प्लस थ्री करते जाइएगा, जैसे 28 में प्लस थ्री करते जाइएगा तो आपको जितना बड़ा भी चाहिए होगा उतना बड़ा आपको नाप मिल जाएगा। क्योंकि जब हम इधर से एक फंदा घटा रहे हैं और नीचे की तरफ वापस बीन रहे हैं तो तीन तीन फंदे हम लेते जा रहे हैं। ये देखिए, ये पेटल देखिए इसी तरीके से आ रहा है, ये नेट से है लेकिन ये इस तरीके से आ रहा है, तो इसका भी एक तरीका है। अब देखिए, फिर यहां से ऊन पलटा, दो का एक किया, अब देखिए दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, देखिए घटाने के बाद हमारा ये चौदह ये हुआ, अब इसमें तीन और प्लस कर लेंगे, पंद्रह सोलह और ये सत्रह। फिर इधर से पलट के टोटल सारे फंदों को हम बिन ले जाएंगे उल्टे तरफ से, सारे फंदे हम बिन लेंगे। उल्टे तरफ से कुछ नहीं करना है। ये देखिए, अब इधर से फिर ये दो का एक, देखिए अब दो फंदे हैं, तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और तीन और प्लस कर लेंगे इसमें, सत्रह अठारह उन्नीस। इसको भी पूरा उल्टा बिन ले जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, और अब इस सलाई में एक फंदा फिर हम घटाएंगे और सारे फंदे हम बिन ले जाएंगे। देखिए दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, अब ये देखिए उन्नीस बीस और ये इक्कीस। ये टोटल हमारे एक पैटल, इसको बोलिए या कली बोलिए, जैसे इसमें ये पतला पतला आया है, ये एक कली हमारी तैयार हो गई। अब इसको पूरा हम इधर से भी उल्टा बिन लेंगे। अब इस तरफ से यहां से ये देखिए, आप ये जो हमारा पहला फंदा है उसमें हम ये बीनेंगे एक फंदा ये, और इस सलाई पे चढ़ा लेंगे एक दो तीन चार पांच छः और ये सात। सात फंदे हमने घटाए थे, सात फंदे हमने फिर से बढ़ा लिए। अब सबसे पहले इन्हीं सात फंदों को हम फिर से बीनेंगे। ये देखिए एक दो तीन
चार, पांच, छः, सात। अब इसको पलट लेंगे। अब यहां से ये देखिए, अब इसी तरीके से जैसे हमने यहां पे स्टार्ट किया था, पहला फंदा उतार के दो का एक करेंगे और फिर पूरा नौ फंदा जो पहली बार हमने सात बिना था, देखिए एक दो तीन चार पांच छः, एक घटाया हमने प्लस इसमें तीन कर लेंगे, सात आठ और ये नौ। इसी तरीके से हम पूरी कलियां इसकी बिनते जाएंगे। इसको पहले मैं पूरा बिन लेती हूँ, फिर हम इसको उसी तरीके से जोड़ेंगे जैसे मैंने हर बार आपको जोड़ना बताया है। तो ये कली इसी तरीके से सारी हम बना लेंगे। ये देखिए, ये दूसरा पेटल बनने पे ऐसे आया है। फिर यहाँ पे ऐसे ही हम सात फंदा बढ़ाएंगे और फिर इसी तरह से सारा बनाते जाएंगे जब तक मेरा टोटल सर्कल ना पूरा हो जाए। तो देखिए ऐसे ये आएगा, ये इस तरफ से बिन रहा है तो इसका ये जो झालर है ये और निकला निकला दिखेगा इस तरह से। तो इसी तरह से सारा हम बना लेते हैं। फिर बनाने के बाद हम जैसे इसमें मैंने जोड़ा है, जैसा मैं हर बार बताती हूँ, देखिए इसको भी मैंने फंदा उस तरफ से खोल के फिर सलाई से उतार दिया है, उसी टाइप से इसको भी मैं जोड़ दूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये एक एक पैटर्न आएगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं पूरा। ये देखिए बनने के बाद टोटल इस तरह से मेरा ये तैयार हो गया है। ये बिल्कुल सूरज के जैसे है, जैसे सूरज की किरणें ये पड़ती हैं उस तरह से इसको ये बना हुआ है। तो अब देखिए, अब ये हमारा यहाँ पे मैंने ये लास्ट वाला घटा के टोटल ये पूरा कर लिया है। उल्टी सलाई अभी मुझे बिननी है यहाँ पे, तो इसको देखिए अब हम यहाँ पे ये देखिए, अब जो ये हमारा ये चीज है, आप चाहें तो ये राउंड ऐसे ही छोड़ दीजिए, नहीं तो ये देखिए इसको ये सलाई पे ही फंदे रहने दीजिए। और ये जो हमने ये बिन के बीच बीच में हमारा ये जो चोटी जैसा आ गया है यहाँ पे, ये हम क्रोशिए से ये देखिए इस तरीके से ऐसे इस तरह से इसमें से निकालते जाएंगे। ये देखिए इसको पूरा जितना हमने बिना है, मेरा 18 है तो इसमें देखिए ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और ये लास्ट वाला 17, ये 17 निकला है। अब यहीं से ये जो लास्ट वाला है ये यहां से ये देखिए ऐसे इसको धीरे से खींच लीजिए ताकि सारे फंदे इसमें से ये जो हमने बनाए हैं ये निकल जाए इस तरीके से। ये देखिए ये फंदे हमारे निकल गए। अब इसको हम इस सलाई पे ऐसे चढ़ा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया। ये देखिए ये बन गया। तो ये जो है ये देखिए आपका जो सर्कल है ये अच्छे से आ जाएगा। आप उल्टे तरफ से आप ये वाला जो है यहाँ वाला ये जो है इसको हम सुई से ये देखिए ये जो हमारा ऊन निकला हुआ है इस ऊन को सुई में डाल के इस तरीके से, और जो हम सात फंदे के हिसाब से अपना जो हमारे सात फंदे हम बढ़ा रहे हैं इसको देखिए उल्टे तरफ से ये देखिए एक दो, एक आप निशान के लिए, तीन चार पांच छः और एक यहाँ पे ये सात, इसको करके और ये हम पीछे की तरफ इसको फंसा देंगे ताकि हमारा ये जो ऊन है इसको हम बाद में एडजस्ट कर देंगे।
और अब जो ये है हमारा फंदा, इसको आप चाहे तो सलाई से भी कर सकती हैं, और नहीं तो देखिए क्रोशिया से ये जो हमने इस पे चढ़ाया है ये वाला, ये देखिए इसको हम इस तरफ से ऐसे ले लेते हैं इधर से। अब देखिए ये वाला फंदा यहां से इसको डालेंगे, ये जो हमारा लास्ट बिना वाला है यहां से ऐसे डाल के इसको ऐसे निकाल देंगे इस तरीके से। अब ये वाला भी फंदा उठा लीजिए ऐसे, और लास्ट इधर इस तरफ जो हमारा इस तरफ जो फंदा डला हुआ ऐसे इसको डाल के तीनों को एक संग निकाल दीजिए। तो इसको आपको सुई से भी नहीं करना पड़ेगा और सलाई से भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपको क्रोशिया से जरा सा इस तरफ का देखिए ये जो हमने फंदे डाले हैं ये आया है चोटी जैसा, इसमें से ऐसे डालिए और इन तीनों को इस तरीके से निकाल दीजिए। इसको फिर उतार लीजिए इस तरफ का, इसको ध्यान दीजिए कि फंदा गिरे ना हमारा, और इस तरफ ये देखिए जो चोटी है ये चोटी जैसा फंदा हम जो डालते हैं जो ऐठा वाला चोटी आता है वहां से इसको ऐसे हम निकाल देंगे, ये देखिए। और ये हमको करना है ऊपर के साथ फंदा रहने तक, ये देखिए, इसीलिए मैंने वहां पे एक निशान आपको लगाने को बोल दिया, नहीं तो आप उसको बाद में भी कर सकती हैं। ये देखिए तो यहाँ तक ये जो हमने निशान लगाया है ये फंदे हमारे, क्योंकि हमारे इस पे 21 फंदे हैं और 7 फंदा ये बढ़ाने के बाद 28 फंदे हो रहा है, तो हम इन 21 फंदों को ही यहाँ तक जोड़ेंगे ताकि हमारा ये जो ये पंखुड़ी जैसा निकल रहा है यहाँ पे हमको कुछ अलग से ना करना पड़े। तो ये जो हमारे सारे फंदे हैं बस यहाँ तक ऐसे जोड़ेंगे, तो वही हम जोड़ लेंगे। ये फंदा इधर से लीजिए, सलाई पर से उतार लीजिए, इस तरफ से जो हमने फंदे डाले हैं ये देखिए जो ऐठा ऐठा रहता है वहां से, ये देखिए यहाँ से आप ऐसे क्रोशिया डालिए, ऊन को लूप बना के सब में से ऐसे निकाल दीजिए, ये देखिए। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको इधर आप अपना ये देख लीजिए कि आपका ज़्यादा टाइट लूज ना हो, अगर आपको आइडिया ना मिले तो आप उस तरफ से देख लीजिए, ये देखिए ऐसे, और फिर इन तीनों को ऐसे हम निकाल लेंगे। को बहुत टाइट भी नहीं करना है, लूज भी नहीं रखना है, बस इसको सारे जो हमारे 21 फंदे हैं उसको हमको जोड़ लेना है। तो ये देखिए इस तरह से सारे फंदे हम, ये देखिए इस तरफ यहाँ पे ऐसे, ये देखिए इस तरीके से इसको हम जोड़ लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये जुड़ गया यहाँ पे। अब लास्ट वाला यहाँ इसको हम पीछे की तरफ फंसा देंगे ताकि ये जो, क्योंकि हमने सलाई से फंदे उतारे हैं बीने हैं और ये सलाई से हमारा थोड़ा सा लूज है, क्योंकि पहला फंदा हम उतारते हैं और इधर मैंने क्रोशिया से किया तो हल्का सा ये लूज हो गया है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से फंसा के पीछे की तरफ, ये देखिए, और अब इसको मैं कट कर दूंगी, गोला इसमें से निकाल के कट कर दूंगी, और इसको भी हम पीछे की तरफ क्रोशिया से ही फंसा दीजिए या आप सुई से फंसा दीजिए या आप ऐसे भी रहने देंगे। तो देखिए ये पीछे की तरफ हमारा फंसा हुआ है ऐसे, तो ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे छेद भी नहीं है और ये पूरा आराम से जुड़ गया। आप चाहे तो इसको सलाई से भी जोड़िए, नहीं तो आप इस तरह से क्रोशिया से करिए, नहीं तो आप सुई से भी इसको जोड़ सकती हैं। पहले ये जो लास्ट वाला उसका सारा फंदा हम उतार देंगे और इसको सुई से हम जोड़ सकते हैं। ये देखिए बनने के बाद ये इस तरीके से, यहाँ वाला पेटल थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ फंदा पड़ा था इसको हमने खोला नहीं है, इसलिए ये लूज नहीं है, थोड़ा सा टाइट है, लेकिन ये थोड़ा सा यूज होगा तो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा, अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा, मैं आपको आगे और भी जानकारी देती रहूंगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।